अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले की सुरक्षा हवाई मार्ग से भी की गई। आईजी रेंज अयोध्या डॉक्टर संजीव गुप्ता व कमिश्नर मनोज मिश्रा के साथ एसएसपी आशीष तिवारी व डीएम अनुज झा ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भर सरयू घाट का निरीक्षण किया। आईजी डॉक्टर संजीव गुप्ता ने कहा कि मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा पूरे मेले क्षेत्र को सेक्टर व सब सेक्टर से बांट रहे हैं। अयोध्या क्षेत्र में एटीएस कमांडो को तैनात किया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है कि इस दौरान पिछले विगत दो वर्षों से जो हम लोगों के प्रयास थे वो आज सार्थक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम की पैड़ी में जो जल का प्रवाह है उसमें बड़े उत्साह के साथ लोग तैर भी रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी प्रगति यहाँ पर देखने को मिली है और लोगों में उसको मैं हम लोग देख रहे थे ऊपर कि पैड़ी में स्नान के दौरान लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। सर, मास्टर प्लान की बात की जा रही है, योगी जी ने घोषणा भी की है अयोध्या में मास्टर प्लान के तहत सजाया जाएगा, इसलिए ग्राम नियोजन विभाग जो है उसको भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो किस तरह से मास्टर प्लान होगा और अयोध्या कैसे डेवलप आप करेंगे? मास्टर प्लान 2031 तक के लिए प्रस्तावित है और इस विषय में CTCP के यहाँ पर काम चल रहा है और जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी आगे की स्टेज पे है, शीघ्र ही आपको उसकी प्रगति पता चलेगी। सर, इस बार मेले में लगभग कितने श्रद्धालु जो हैं आए, चूँकि पहले आते थे 5-6 लाख, इस बार की तादाद क्या रही है? इस बार अभी जो हम लोग देख रहे थे कि 2.5 से 3 लाख की भीड़ अब तक जो प्रातः से लेकर के इस समय तक निकल चुकी है और आने जाने का सिलसिला गोंडा के भी ब्रिज पे हम लोग देख रहे थे, एक रोज आने की है और एक रोज जाने की है, तो अनुमान सही तो शाम को ही पता चलेगा। कि आपने देखा होगा कि आज कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आए हैं और सभी सरयू के घाटों पर हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में जल पुलिस और हमारी फ्लड PAC की कंपनीज को लगाया गया है जो कि सरयू घाट पे सारी व्यवस्था देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरा मेला क्षेत्र को हमने जोन और सेक्टर में डिवाइड करके पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। ATS की टीम, विशेष रूप से ATS की टीम्स और हमारे जिले की SWAT टीम्स वगैरह भी लगी है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। और सब लोगों से अनुरोध है कि अपना सुविधापूर्ण और अपने सुगमता से अपना स्नान करें और बाकी पुलिस उनके सहयोग में उनकी सुरक्षा में लगी है। एक संदेश दे दीजिए, जिस तरह से लोगों का एक खौफ है, डर है, लोग अयोध्या आ रहे हैं तो जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है, उसको देखकर लोग घबराए हुए हैं। देखिए, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है वो उनकी सुविधा और सुगमता के लिए ही लगाई गई है और सुरक्षा, जैसे मैंने बोला कि अभी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और भी लोग स्वागत है सभी का और सब लोग आएँ और आराम से अपना स्नान दर्शन सब करें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।